लद्दाख समुद्र स्थल से लगभग 11,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की सर्दियाँ बड़ी कड़ाके की होती है। इसका कल क्योंकि नुब्रा वैली जाना तो कहीं ये दिक्कत ना हो कि कल जो है ब्रेक अपना ना काम करे तो फिर नुब्रा वैली पेंगोंग और हल्ले के रास्ते से पूरी की पूरी गाड़ी उठा के लानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ और ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो 500 कुल्हाड़ी का 180 का था 150 किया 150 किया 800 में टोटल। सो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत करते हैं हम लेह सिटी से। ये लद्दाख की कैपिटल सिटी है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है और अभी यहाँ का जो टेम्परेचर चल रहा है वो 7 डिग्री के आसपास चल रहा है, लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप है यहाँ पे कि ये 7 डिग्री टेम्परेचर में भी आप नॉर्मल कपड़े पहन के टहल सकते हैं। एक्चुअली इसका अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लगभग 11,500 फीट इसकी हाइट है। एक जेट देखा जाता है 11,562 ऐसे कुछ है इसकी हाइट। इतनी अल्टीट्यूड पे आप नॉर्मल जो हिल स्टेशन जाते हो जैसे मनाली शिमला ये सब 6,000 अल्टीट्यूड के आसपास हैं, तो उसका जस्ट डबल अल्टीट्यूड है। तो इसकी वजह से ठंडी बहुत जाती है होती है यहाँ पे, और जो सन रेज़ है वो डायरेक्ट आती है तो यूवी रेज स्किन को बहुत डैमेज करती है यहाँ पे। तो मतलब ठंडी खूब रहेगी लेकिन धूप भी खूब ज़्यादा रहेगी। और अभी जो हम लोग स्टे किए हैं ये अमा पद्मा होम स्टे है छोटा सा, और यहाँ हम लोग के गैराज में कार खड़ी है। आज हम लोग को चलना है परमिट का काम करवाने और लेह सिटी को एक्सप्लोर करने और कुछ मार्केटिंग करने। ठीक ठाक है यार, अगर हम जैसे बाइकर्स या घूमने वाले को कहीं बाइक जो है या अपनी कार जो है अंदर सेपरेट पार्क करने को मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। और मैं थोड़ा सा होम स्टे का आपको टूर करा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सांस काफ़ी फुल रही है, हम लोग प्लेन एरिया में रहने वाले लोग और इस हाइट पे दिक्कत तो होती ही है। ये है सब वुडन वर्क यहाँ मिलेगा और देवदार की लकड़ियाँ मिलेंगी। एक्चुअली देवदार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लकड़ियाँ मिलती हैं वो मैक्सिमम देवदार की ही मिलती हैं। और ये देखो थोड़ा सा रेस्ट एरिया, आप बैठ सकते हो। और ये हम लोग की बालकनी जहाँ बैठ के हम लोग शाम को डिनर किए थे, सुबह फ्रूट फ्रूट लेके ब्रेकफास्ट किया गया था। और भाई शहर में क्या सन्नाटा रहता है यहाँ पे, हम लोग यहाँ कब से बैठे हैं, न एक हॉर्न की आवाज़, न आदमी की चिल्लाने की आवाज़, कोई भी आवाज़ नहीं, केवल नेचर की आवाज़ दिखाई देती है। और यहाँ उतारना तो कंपेरेटिवली ठीक है कि आप पीछे ऐसे करके सीधे निकाल सकते हो। रात में जब लोग आए थे तो इस गाड़ी को ऊपर लेना बहुत टफ था, ऐसे था, और फिर उसको टर्न भी लेना था। कार पार्क ऑफ लेह, और यहाँ कार पार्किंग से आपको जो लेह पैलेस का व्यू बहुत शानदार आपको दिखता है। दिस इज़ लेह पैलेस और ऊपर एक मॉनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन है, ये दोनों दिखता है। कार पार्किंग से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो शांति स्तूपा, लेह पैलेस और मॉनेस्ट्री तीनों बहुत साफ आपको दिखाई देगी। दिस इज़ शांति स्तूपा यहाँ से दिखाई दे रही है। तो पहले थोड़ा सा मार्केट घूमते हैं और थोड़ा सा जब शाम हो जाएगा तो फिर हम लोग इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। वो केवल कवर कवर है हाँ? ये किसका छिलका है वो? हाँ ये छिलका है, ये छिलका देखा, ये फ्रूट है एक्चुअली। अच्छा ये फ्रूट है, इसके अंदर बीजों का बीज के अंदर ये बला होता है, ये बला। कुल्हाड़ी का 180 का था 150 किया 150 किया 800 में टोटल। स्नो चैन होगा, स्नो चैन।
मारुति सुजुकी वर्कशॉप पे आए हैं। एक्चुअली हम लोग अभी जब लेह पैलेस की तरफ जा रहे थे तो अपनी कार जिमनी की जो ब्रेकिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, तो ये हुआ कि या तो ब्रेक ऑयल का इशू है या तो ब्रेक शू का इशू है, उसको चेक करवाने के लिए हम लोग आ गए। ब्रेक ठीक है लेकिन थोड़ा सा मुझे एडजस्ट। हाँ, तो कल क्योंकि नुब्रा वैली जाना, तो कहीं ये दिक्कत ना हो कि कल जो है ब्रेक अपना ना काम करे, तो फिर नुब्रा वैली पेंगोंग और हल्ले के रास्ते से पूरी की पूरी गाड़ी उठा के लानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ और ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो ब्रेक ऑयल ब्रेक शू ये सब चेक करवा लेते हैं ताकि गाड़ी जो है थोड़ी सेफ रहे और ख़राब रास्तों पर कोई दिक्कत ना हो। ले में ये है मारुति सुजुकी का वर्कशॉप। एक्चुअली कभी कोई बाइक या कार लो और ऐसी ऑफ रोडिंग आप करना चाहते हो तो कोशिश करो भाई ऐसी कंपनी की गाड़ी लो जो जिसका सर्विस सेंटर वर्कशॉप नेटवर्क जो है ऑल इंडिया, इवन जो ख़राब टेरेन है रिमोट एरिया है वहाँ भी मौजूद है, जैसे मारुति सुजुकी है। अब देखो लेह में भी हमको सर्विस मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। अब चेक करवाते हैं, देखते हैं क्या इशू है और उसको रिजॉल्व करवाते हैं। फाइनली गाड़ी जो है क्रॉस चेक हो गई और यहाँ से मारुति से जो मैनेजर इसकी हैं पामो काफ़ी पोलाइट थी, उन्होंने बोला कि भाई आप ऑफ रोडिंग में जा रहे हो जहाँ पे सर्विस नहीं मिलता है तो अपना नंबर ले लो, वहाँ से कॉल करोगे तो मैं यहाँ से टेक्नीशियन आपके लिए भेज दूँगी। तो मतलब लिए में जितने बंदे मिल रहे हैं सब काफ़ी पोलाइट मिल रहे हैं और हेल्पफुल मिल रहे हैं। ओके थैंक यू। दिस इज लेह मॉनेस्ट्री और लेह मॉनेस्ट्री के ठीक सामने ये जहाँ सन है वहाँ पे है लेह पैलेस और ये पूरा का पूरा लेह सिटी। लेह पैलेस कंस्ट्रक्टेड बाय किंग सिंगे नामग्याल इन 1711 सेंचुरी। काफ़ी खूबसूरत पैलेस है और मल्टीपल स्टोरी है। आप देखेंगे मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ पहाड़ के बिल्कुल किनारे। स्कैन एंड पे। अभी जो हम लोग खड़े हैं ये है फोर्थ फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे एक बड़ा सा बालकनी बना हुआ जहाँ से पूरा का पूरा लेह का बहुत खूबसूरत व्यू आता है। और एक तरह से ये मिडिल फ्लोर है क्योंकि कुल 9th फ्लोर है, तो एक बीच का फ्लोर है। यहाँ से आपको ऊपर का नज़ारा भी मिल जाता है पैलेस का और नीचे से पूरा का पूरा जो देखो कितना खूबसूरत लद्दाख मतलब लेह शहर का व्यू आ जाता है। और इस एंगल पे यहाँ पे लेह मॉनेस्ट्री है, थोड़ा सा छुप गया है लेह मॉनेस्ट्री है दिस वन। श्री राज्य जम्मू व कश्मीर 3 भागों में विभाजित है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। भूमि क्षेत्र के अनुसार लद्दाख इस राज्य का सबसे बड़ा प्रदेश है, परंतु यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। लद्दाख समुद्र स्थल से लगभग 11,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की सर्दियाँ बड़ी कड़ाके की होती है। इस कारण सर्दियों में यहाँ का न्यूनतम तापमान गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना और खुशगवार होता है। दुनिया भर से पर्यटक इन दिनों यहाँ आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का खूब आनंद लेते हैं। यहाँ की वादियों, झीलों, महलों और गोंपाओं की खूबसूरती और अनोखापन देखकर लोग बार बार यहाँ खिंचे चले आते हैं। शोर शार और तेज तराज जीवन से दूर शांत लद्दाख, जहाँ चारों ओर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सदियों से इंसानी सभ्यता के साक्षी हैं। ये पहाड़ सैकड़ों साल पुराने लद्दाख के इतिहास के चश्मदीद गवाह हैं। आसमान को छूती और बर्फ से ढकी ये चोटियां आज भी लद्दाख के आन के लिए एक पाबंद और जागरूक सिपाही की तरह खड़ा है। लद्दाख का जिक्र आते ही लेह का 9 मंजिला शाही महल मस्तिष्क में घूमता है। लेह की चौखट पर कदम रखते ही
लेचन स्पालखर यानी ले महल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता है और बड़ी शान से अपनी बाहें फैलाए हमारा स्वागत करता है। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के मध्य में लद्दाख के प्रसिद्ध और होनहार राजा सिंगे नमग्याल ने लद्दाख की हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ली। अपने पिता राजा जमयांग नमग्याल की निशानदेही की हुई पहाड़ी पर सलाह मशवरे से एक ऐतिहासिक महल बनवाने का फैसला हुआ। लामा तक्सा रिम्बोचे ने भूमि पूजन कर बलाओं को दूर किया और यूं इस महल के निर्माण का काम शुरू हुआ, जिसे पूरा होने में पूरे 3 साल का समय लगा। पूरे हिमालय क्षेत्र में इस शानदार महल के मुकाबिल का कोई दूसरा इमारत या भवन मौजूद नहीं है।